नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नए और खूबसूरत से वीडियो के अंदर। देखिए आज का जो वीडियो होने वाला है, 3 बेडरूम बने हुए एक अपार्टमेंट का वीडियो होने वाला है। कैसे क्या बने हुए सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं लोकेशन की। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाइए, क्योंकि हम ऐसे ही शानदार से वीडियोज़ आपके लिए लाते रहते हैं। कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा, साथ साथ में सजेशन दीजिएगा कि अगला वीडियो हम आपके लिए कैसे लेके आएँ। देखिए लोकेशन जो होने वाली है मानसरोवर एक्सटेंशन की लोकेशन होने वाली है, जो कि इस्कॉन टेम्पल के बिल्कुल नियर बाय की लोकेशन होने वाली है। बहुत ही अच्छी लोकेशन के अंदर अपार्टमेंट लोकेटेड है। देखिए साइज़ प्राइस सबके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे मैं बात करता हूँ एमिनिटीज़ की, तो एमिनिटीज़ की अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपको रूफ टॉप पे गार्डन, जिमनेजियम, ये सब चीज़ें मिल जाती है। साथ में नीचे की तरफ क्लब हाउस मिल जाता है, किड्स प्ले एरिया भी यहाँ मिल जाता है। सिक्योरिटी की बात करें तो गार्ड रूम की फैसिलिटी यहाँ पे है, बाहर की तरफ आपको सीसीटीवी कैमराज वगैरह यहाँ पे मिल जाते हैं। यानी कि हर एक प्रकार से काफ़ी ही खूबसूरत अपार्टमेंट यहाँ पे होने वाले हैं। G+5 के अपार्टमेंट हैं, 2 और 3 BHK दोनों अपार्टमेंट्स यहाँ पे आपको मिलते हैं। देखिए यहाँ पे जो 2 बेडरूम अपार्टमेंट है, सिर्फ मात्र और मात्र 1 से 2 यूनिट ही बची हुई, बाकी आपको 3 बेडरूम अपार्टमेंट मिलने वाले हैं। अभी जो मैं टूर करवा रहा हूँ वो 3 बेडरूम अपार्टमेंट का टूर करवाऊंगा। नीचे चलते हैं, एक बार वहीं से फ्रंट एलिवेशन देखेंगे कैसे क्या होने वाला है। लेकिन लोकेशन एक बार मैं दोबारा हाईलाइट कर देता हूँ, मानसरोवर एक्सटेंशन जयपुर शहर के अंदर इस्कॉन टेम्पल के बिल्कुल पास के अंदर लोकेशन होने वाली है। हयात होटल की बात करूँ तो मात्र 300 मीटर, बात करूँ इस्कॉन टेम्पल की तो 200 मीटर, बात करूँ अगर मैं यहाँ पे कासा 9 एक प्रोजेक्ट है जो मानसरोवर एक्सटेंशन का काफ़ी लग्जरी सेगमेंट के विलास का प्रोजेक्ट है, वो मात्र 50 मीटर दूरी पे यहाँ पे लोकेटेड होने वाला है। देखिए बात करें अपार्टमेंट की तो नीचे से चल के हम देखते हुए फिर करेंगे बात कैसे क्या होने वाले हैं। तो आइए एक बार कैमरामैन जी चलते हैं नीचे की तरफ। तो देखिए फ्रेंड्स, कुछ मेन एंट्रेंस आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पे अपार्टमेंट यहाँ पे मिलने वाली है। जैसे एंटर करते हैं तो यहाँ पे आपको एक गार्ड रूम यहाँ पे बना के दिया गया है, जो कि सिक्योरिटी पर्पज से यहाँ पे काफ़ी खूबसूरत होने वाला है। मेन एलिवेशन की अगर मैं बात करूँ तो कुछ इस तरीके से काफ़ी खूबसूरत तरीके से एलिवेशन यहाँ पे दिया गया है। और ये बाहर की तरफ भी देखिए काफ़ी अच्छा स्पेस यहाँ पे आपको दिया गया है बना के। और नीचे की तरफ मैं बात करूँ तो यहाँ पे क्लब हाउस जो कि यहाँ पे होने वाला है, फिलहाल ये सेल्स ऑफिस की तरह यहाँ डिज़ाइन किया गया है, लेकिन ये आगे चल के आपको क्लब हाउस की तरह डिज़ाइन करके आपको मिलने वाला है। नीचे की तरफ स्पेस में बात करूँ मैं तो कम्प्लीटली पार्किंग का स्पेस आपको यहाँ पे दिया गया है, जो कि काफ़ी अच्छा स्पेस होने वाला है, कम्प्लीट पार्किंग आपको मिलने वाली है। देखिए दोबारा मैं यहाँ पर हाईलाइट कर देता हूँ यहाँ पर क्या क्या चीज़ें मिलने वाली है। क्लब हाउस 2 लिफ्ट है, 24 घंटे पावर बैकअप है, जिमनेजियम है, गार्ड है, गार्ड रूम है, मॉड्यूलर किचन, चिमनी, एम्पल ओपन है, स्टील पार्किंग आपको मिल जाती है, सीसीटीवी कैमरा इन कॉमन एरिया वो भी आपको यहाँ पे मिलने वाला है। देखिए पार्किंग का कंप्लीट स्पेस यहाँ पे, नीचे की तरफ कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं है, कंप्लीट पार्किंग का स्पेस यहाँ पे बना के दिया गया है। आगे देखते हैं कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे लिफ्ट का प्रोविज़न और साथ साथ में स्टेयर्स का प्रोविज़न कुछ इस तरीके से दिया गया है, 2 लिफ्ट्स आपको यहाँ पे मिलने वाली है। अब चलिए डायरेक्ट चलते हैं ऊपर की तरफ, वहाँ चल के देखेंगे कि कैसे क्या चीज़ें यहाँ पे होने वाली। तो देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे लिफ्ट का प्रोविज़न मिल जाता है। जैसे मैंने बताया 2 लिफ्ट्स आपको यहाँ पे दी गई है, G+5 का अपार्टमेंट है, स्टेयर्स का लुक जो है कुछ इस तरीके से आपको इस तरफ आने वाला है। लॉबी की बात करें तो प्यारा सा लॉबी का स्पेस भी आपको यहाँ पे दिया गया है। आइए क्विकली हम करते हैं टूर, जो 3 बेडरूम बना हुआ है वो कैसे क्या बना हुआ है उसका कंप्लीट एक बार टूर देख लेते हैं हम। तो जैसे देखिए एंटर करते हैं तो ये आपको एंटर करते ही आपको मिलता है प्यारा सा एक ड्राइंग एरिया का स्पेस, जिसमें आप देख पा रहे हैं यहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से सिटिंग अरेंजमेंट यहाँ पे किया गया है। देखिए ये सब चीज़ें जो है एक टेंटेटिव आइडिया के हिसाब से यहाँ पे डेवलप की गई है। आपको ये मिलने वाला है सेमी फर्निश्ड, यहाँ पे अगर हम बात करूँ देखिए 10 सीटर के आसपास आपको यहाँ पे प्यारी सी सिटिंग स्पेस आपको मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पे अगर चाहते हैं लगाना तो देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पे डिज़ाइनर वर्क जो कि काफ़ी वुडन का प्यारा सा डिज़ाइन यहाँ पर वर्क किया गया है, इसके अंदर LED लाइट्स डाल के काफ़ी खूबसूरत इसको यहाँ पे बनाया गया है। पर की तरफ फॉल सीलिंग का भी एक बार लुक दिखाइए, फॉल सीलिंग का भी काफ़ी प्यारा लुक आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, इसमें अंदर LED लाइट्स लगाई हुई है और अच्छे तरीके से इसको यहाँ पे डिज़ाइन किया गया है। इस तरफ भी वुडन की कुछ डिज़ाइंस आपको मिल जाती है। यहाँ पे अगर 100 पेस में आप कुछ रखना चाहें तो ईजिली आप यहाँ पे स्पेस दिए गए हैं वहाँ पे आप रख सकते हैं। नीचे की तरफ इनमें यहाँ पे LED लाइट्स लगा के काफ़ी खूबसूरत इनको भी यहाँ पे डिज़ाइन किया गया है। इस तरफ देखते हैं तो इस वॉल पे आपको मिलता है TV पैनल का स्पेस, जो कि वुडन का यहाँ पे स्पेस निकाला गया है। काफ़ी बड़ा स्पेस आपको TV पैनल का यहाँ पे मिल जाता है, जिसमें सनमाइका वगैरह की बात करें, डिज़ाइन वगैरह की बात करें तो काफ़ी खूबसूरत तरीके से इसको यहाँ पे बना के दिया गया है। देखिए यहाँ कलर जो कॉम्बिनेशन है काफ़ी अच्छा यूज़ यहाँ पे किया गया है। नीचे की तरफ यहाँ देखते हैं तो यहाँ पे जो है रैक्स वगैरह भी आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, जिसमें चाहें तो सामान वगैरह इजीली आप यहाँ पे रख पाएंगे। देखिए AC फिटिंग की बात करें, हर जगह जहाँ जहाँ नीड है AC फिटिंग आपको मिल जाती है, रूम्स वगैरह में, साथ में यहाँ पे ड्राइंग एरिया में भी आपको यहाँ पे AC फिटिंग आपको प्रॉपर मिलती है। फिर इस तरफ देखते हैं देखिए यहाँ पे एक स्पेस यहाँ पे दिया गया है, इसमें कुछ अपना क्रॉकरी वगैरह का सामान अगर आप रखना चाहें तो इजीली आप यहाँ पे रख सकते हैं। काफ़ी अच्छा स्पेस यहाँ पे निकाल के दिया गया है, जिसमें अंदर बाहर की तरफ से यहाँ पे ग्लास लगा के दिया गया है, जिसमें इजीली आप बाहर की तरफ से भी देख पाएंगे कि कैसे क्या सामान आपको यहाँ पे रख के दिया गया है। वुडन का ये काम यहाँ पे करके आपको दिया गया है। ड्राइंग एरिया के सामने की तरफ देखते तो एक वॉशरूम आपको यहाँ पे दिखाई देने वाला है। देखिए वॉशरूम साइज़ काफ़ी प्यारी है, ये वॉशरूम का एडवांटेज है ये कॉमन प्लस अटैच दोनों होने वाला है,
टाइल्स का कॉम्बिनेशन काफ़ी प्यारा है। साथ में बात करें वेंटिलेशन की, तो वेंटिलेशन का भी स्पेस यहाँ पे निकाला गया है। सेरा जैसी ब्रांड की यहाँ पे फिटिंग्स आपको मिल जाती है, जो कि अपने आप में एक जाना माना ब्रांड है। देखिए, अगर आप चाहते हैं इसको बुक करना, चाहते हैं इसको परचेज करना, मानसूर एक्सटेंसिंग लोकेशन चाहते हैं अपना घर खरीदना, तो नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन दे दिए हैं, साथ साथ आपको मिल जाएंगे स्क्रीन पे भी बिल्डर के प्रतिनिधि के, वहाँ जाकर डायरेक्टली आप कॉल कर पाएंगे, अधिक जानकारी वहाँ से आप ले पाएंगे। लेकिन चैनल पे नए हैं, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है आपका सपोर्ट। देखिए, इस तरफ आपको मिल जाता है ओपन मॉड्यूलर किचन, जो कि एल शेप में यहाँ पे बना के दिया गया है, जिसमें ग्रेनाइट का टॉप यहाँ पे लगा गया। सामने की तरफ आपको मिलता है बड़ा सा विंडो, जिसका फायदा ये है कि खाना बनाते समय आपको सफोकेशन बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। क्रॉस वेंटिलेशन साथ साथ में सनलाइट आपको हमेशा ही प्रॉपर आपको मिलती रहेगी। सब देखते हैं तो यहाँ पे देखिए आप, टाइल्स का काम भी जो है काफ़ी हाइट तक दिया गया है, जिसमें खाना बनाते समय कुछ ऑयल वगैरह के छींटे लगे, इजीली आप इनको रिमूव यहाँ पे कर पाएंगे। कंप्लीट ही मॉड्यूलर किचन यहाँ पे दिया गया है, चिमनी वगैरह भी यहाँ पे लगा के दी गई है। रैक्स वगैरह की बात करें तो कुछ इस तरीके से आपको जो है काफ़ी अच्छे कॉम्बिनेशन के साथ रैक्स भी आपको यहाँ पे मिलती है। इस तरफ भी आपको जो है रैक्स बना के दी गई, जिसमें कुछ एक्स्ट्रा स्टोरेज किचन का सामान वगैरह जो है आप इजीली यहाँ पे स्टोर कर पाएंगे। कुछ इस तरीके से प्यारा सा यहाँ पे डिज़ाइन करके आपको किचन का लुक मिलता है। देखिए, बाहर की तरफ से देखते हैं कोई किचन के लुक को, तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे आपको प्यारी सी डिज़ाइन भी यहाँ पे बना के दी गई है, जो कि वुडन की डिज़ाइन यहाँ पे होने वाली है। इस तरफ से देखते हैं, पूरे इधर आके दिखाइए, कुछ इस तरीके से आपका ड्राइंग एरिया का लुक आपको दिखाई देने वाला है, जो कि काफ़ी बेहद खूबसूरत तरीके से आपको यहाँ पे दिखाई देने वाला। अब देखते हैं इसके एक एक बेडरूम को कि कैसे क्या बेडरूम होने वाले हैं। बेडरूम की अगर मैं साइजेस की बात करूँ, लगभग 10x12, 10x13 के आसपास की बेडरूम साइजेस आपको यहाँ पे मिलने वाली है। देखिए, इसमें अगर आपको यहाँ पे देखते हैं तो किंग साइज का बेड यहाँ पे मिल जाता है। पीछे की तरफ देखते हैं यहाँ पे तो प्यारे क्वेश्चंस पे आपको मिल जाते हैं, किंग साइज का बेड है। उसके बाद में भी दोनों तरफ काफ़ी अच्छा स्पेस आपको मिल जाता है, जिसमें इजीली जो है उधर की तरफ कबर्ड्स का स्पेस निकाला गया, और इस तरफ देखते हैं तो यहाँ पे आपको ड्रेसिंग का एक स्पेस निकाला गया। ड्रेसिंग स्पेस में पीछे की तरफ यहाँ पे वर्क किया गया है, जिसमें कुछ ड्रेसिंग के सामान वगैरह आप रखना चाहें तो इजीली आप यहाँ पे रख पाएंगे। कबर्ड्स भी देखिए, कबर्ड्स की सनमाइका काफ़ी अच्छी है, स्पेसियस कबर्ड्स है, अंदर से काफ़ी स्पेस कबर्ड्स में यहाँ पे निकाला गया है। कुछ इस तरीके से आपको जो है कबर्ड्स का स्पेस यहाँ पे आपको मिलने वाला है। डबल कबर्ड्स आपको इसमें लगा के दी गई है, और यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे एक डिज़ाइन दी गई है, जिसमें लैंप्स वगैरह लगा के कुछ शोकेस में आप यहाँ पे सामान रख सकते हैं, और इस तरफ भी आप अगर चाहें तो कुछ सामान आप रख पाएंगे। ऊपर की तरफ देखते हैं, सीलिंग पे तो आपको मिलता है POP का वर्क, और फैन जो है आपको यहाँ पे लगा के दिया गया है। और ठीक सामने देखते हैं बेड पे, तो यहाँ पे आपको TV पैनल का स्पेस अगेन आपको मिलता है, इसमें भी नीचे की तरफ रैक्स वगैरह दी गई है, काफ़ी खूबसूरत तरीके से इसको भी यहाँ पर डिज़ाइन किया गया है। TV पैनल का स्पेस की बात करूँ तो AC फिटिंग की बात करें तो यहीं पर आपको AC फिटिंग मिल जाती है। शाम के टाइम पे, इवनिंग रात के टाइम पे आप अगर TV देखना एंजॉय करना चाहें तो आप यहाँ पे एंजॉय कर पाएंगे। एक बार वॉशरूम दिखा दीजिए, मास्टर बेडरूम है विद अटैच बालकनी, तो दिखाएंगे कैसे क्या होने वाला है। देखिए, वॉशरूम साइजेस देखिए यहाँ पे अगेन आप देख पाएंगे काफ़ी स्पेसियस है। वेस्टर्न सीट आपको मिल जाती है, सेरा जैसी कंपनी की फिटिंग मिल जाती है, टाइल्स का कॉम्बिनेशन काफ़ी प्यारा है, और अगेन आपको वेंटिलेशन के लिए भी कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। देखते हैं, जैसे मैंने बताया था आपको मास्टर बेडरूम है, तो बालकनी का स्पेस भी आपको जरूर मिलेगा। इसमें एल शेप में यहाँ पे बालकनी दी गई है, वाटर पॉइंट आपको यहाँ पे लगा के दिया गया है। इसमें अगर वॉशेबल एक्टिविटीज़ कुछ करना चाहें तो इजीली आप यहाँ पे वॉशेबल एक्टिविटीज़ भी आप यहाँ पे कर पाएंगे। देखिए, एक अच्छी बालकनी का स्पेस निकाला गया। साइड में देखते हैं तो कंप्लीट साइड बैक्स छोड़ के ही अपार्टमेंट यहाँ पे बनाए गए हैं। JDA के नॉर्म्स के हिसाब से रेरा अप्रूव्ड बिल्डिंग है, अप टू 80-90% लोनेबल प्रॉपर्टी है। सभी नेशनलाइज बैंक से यहाँ पे आपको लोनेबल लोन ईजी यहाँ पे हो जाएगा। अगेन देखते हैं इस बेडरूम में, यही दोबारा से आपको मास्टर बेडरूम एक और मिलता है यहाँ पे भी। इसमें अगर देखते हैं तो यहाँ पे दोबारा आपको मिलता है एक जो है किंग साइज़ का बेड, पीछे की तरफ क्वेश्चन वर्क यहाँ पे किया गया है। इसके अलावा काफ़ी प्यारा वुडन का डिज़ाइन आपको देखने को चारों तरफ ही मिलेगा। कबर्ड्स के स्पेस की बात करें तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे भी कबर्ड्स का स्पेस मिलता है, और साथ साथ में ड्रेसिंग का स्पेस भी आपको यहाँ पे दिखाई देने वाला है। देखिए, मैंने एक जो चीज़ बताई थी, जो वॉशरूम में दिखा रहा था आपको कि अटैच प्लस कॉमन कैसे होने वाला है, तो वो मैं आपको हाईलाइट यहाँ से कर देता हूँ। देखिए, इस तरफ से देखते हैं तो ये वो जो वॉशरूम है यहाँ से भी एक्सेस है, लेकिन एक बार ये अंदर से बंद है तो मैं उधर से खोलता हूँ, इसको ओपन करता हूँ। कैमरा मुझे दिखाइएगा इधर की तरफ ही। देखिए, कुछ इस तरीके से यहाँ से ही जो है आपको अटैच आपको इस रूम से आपको वॉशरूम मिल जाता है। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ, देखते हैं और कैसे क्या चीज़ें होने वाली हैं इस रूम में। देखते हैं इस तरफ तो यहाँ पे आपको मिलता है टीवी पैनल का एक बड़ा सा स्पेस। देखिए, काफ़ी खूबसूरत तरीके से इसको यहाँ पे डिज़ाइन किया गया है। सनमाइका वगैरह की बात करें तो बहुत ही ब्यूटीफुल सनमाइका यहाँ पे दी गई है। यहाँ पे भी रैक्स वगैरह दी गई है, कुछ एक्स्ट्रा सामान वगैरह रखना चाहें तो इजीली आप यहाँ पे भी रख पाएंगे।
इसमें जैसे मैंने बताया ये भी एक मास्टर बेडरूम की तरफ है, बड़ा सा विंडो आपको मिलता है इस तरफ। चाहे अगर कूलर लगाना तो इजीली आप यहाँ पे भी लगा पाएंगे। वैसे तो एसी फिटिंग हर जगह जहाँ जहाँ नीड है एसी फिटिंग आपको यहाँ पे मिल जाती है। एक बार बालकनी का स्पेस भी दिखा दीजिए, इसमें भी वाटर पॉइंट आपको दिया गया है कि कुछ अगर चाहें आप वॉशेबल एक्टिविटीज़ करना तो ईजिली आप यहाँ पर कर पाएंगे। आइए बढ़ते हैं इसके थर्ड एंड लास्ट बेडरूम में, देखते हैं बेडरूम कैसे क्या होने वाला है, फिर बात करेंगे इसके साइजेस की, प्राइजेस की, क्या क्या होने वाली है। देखिए ये मिल जाता है आपको एक प्यारा इसे बेड के साथ, काफ़ी ब्यूटीफुल सा एक रूम। देखिए चाहते हैं बुक करना, मैं दोबारा आपको बताता हूँ, मैंने दे दिए नंबर बिल्डर के प्रतिनिधि के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके आप कॉल कर पाएंगे। लेकिन चैनल पे नए हैं लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो प्यारा सा ब्यूटीफुल सा किंग साइज़ का बेड, उसके अलावा यहाँ पे देखें तो LED लाइट्स के साथ काफ़ी अच्छा वुडन का वर्क आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए एक स्टडी टेबल के हिसाब से यहाँ पे आप टेबल एक मिल जाती है, चाहे कि ऑफिस का कुछ काम करना चाहे इजीली आप यहाँ पे वर्क कर पाएंगे। वेंटिलेशन यहाँ पे भी विंडो दिया गया, इसमें भी अगर चाहें कूलर लगाना तो इजीली आप लगा पाएंगे। अगेन टीवी पैनल का स्पेस कुछ इस तरीके से आपको मिल जाता है, काफ़ी खूबसूरत सनमाइका के साथ यहाँ पे भी टीवी पैनल का स्पेस यहाँ पे दिया गया। कैमरामैन जी इधर आके दिखाइए एक बार। ये देखिए यहाँ पे आपको अगेन कबर्ड्स का स्पेस, जो कि काफ़ी ब्यूटीफुल तरीके से डबल कबर्ड्स का स्पेस आपको यहाँ पे दिया गया। देखिए टू बेडरूम थ्री बेडरूम दोनों अपार्टमेंट्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। बात करें यहाँ पे साइजेस की, टू बेडरूम बिल्कुल कम यूनिट है तो मैं ज़्यादा कुछ टू बेडरूम के बारे में बात इसलिए नहीं कर रहा हूँ। थ्री बेडरूम की बात करें तो लगभग 1250 से लेकर 1300 स्क्वायर फीट के आसपास टू बेडरूम यहाँ पे मिल जाते हैं। प्राइजेस की बात करें तो 38 लाख से लेकर 40 लाख की रेंज में यहाँ पे थ्री बेडरूम की बात कर रहा हूँ, 1200 से लेकर 1300 स्क्वायर फीट में थ्री बेडरूम, और उनकी अगर प्राइजेस की बात करूँ तो 38 से 40 लाख रुपये उसकी प्राइस होने वाली। अधिक जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, वहाँ जाके आप देख पाएंगे और क्या क्या कैसे एमिनिटीज़ यहाँ पे होने वाली है वो सभी चीज़ यहाँ पे देख पाएंगे। नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में जैसे बताया आपको दे ही दिए हैं, वहाँ जाके भी आप अधिक जानकारी ले पाएंगे। अंत में दोबारा कहूँगा चैनल पर नए हैं लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।